हाँ जी मेरी YouTube फैमिली क्या हालचाल है आप सब क्या है होप एकदम मजे में हो गया आप सब और एकदम सेफ हो गया अपने घरों में और यहाँ पे आपकी तरह ही मैं भी लॉकडाउन में फंसा हुआ बाहर कहीं जा नहीं सकता और ये वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक प्रोजेक्टर के बारे में मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है यहाँ पे गुडी कंपनी का ये प्रोजेक्टर काफी टाइम से मैं प्रोजेक्टर लेने का सोच रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पे एक स्क्रीन मंगा के एक साइड जो है मेरे स्टूडियो की ये वाला जो साइड है पूरा का पूरा खाली है तो यहाँ पे मैं स्क्रीन फिट करू और यहाँ पे जो होम थिएटर वाला मैं पूरा बना लू ज्यादातर जो मेरा टाइम है दिन के अंदर वो यहीं पे निकलता है तो प्रोजेक्टर लेना मुझे काफी अच्छा लगा तो अभी काफी चीजें हैं जो मुझे फिक्स करनी है इस रूम में अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर फिट करना चाहता हूँ अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्टर की तो पहली चीज़ मैं ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करना चाहता था मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो बहुत ही चीप हो बट यहाँ पर मुझे एटलीस्ट फुल एच मिले तो ये वाला जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर आपको फुल एच क्वालिटी मिलती है तो फटाफट वट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग उसके बाद बताऊँगा कहाँ से आप ले सकते हो कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी और एक बार आपको चला के भी मैं दिखाऊँगा सारे फंक्शन यहाँ पर क्या क्या हमें मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अनबॉक्स करते हैं अपने गुडी कंपनी के प्रोजेक्टर को तो यहाँ पे है हमारे प्रोजेक्टर का बॉक्स और प्रोजेक्टर आप यहाँ पे देख ही सकते हो गुडी है ब्रांड फुल एच डी रेजोल्यूशन वाला ये प्रोजेक्टर है तो आप बॉक्स को खोलते हैं और पीछे की अगर मैं बात करूं तो पीछे आप देख सकते हो प्रोजेक्टर लिखा हुआ यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये जो चीज है देखने में काफी कूल लगी मुझे अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो आप खोलते हैं और निकालते हैं प्रोजेक्टर को बाहर और सबसे ऊपर है एक बॉक्स आई थिंक इसके अंदर होंगी कुछ एक्सेसरीज और इसको अगर मैं खोलूं तो बिल्कुल एक्सेसरीज ही हैं यहाँ पे है पावर केबल आपके प्रोजेक्टर के लिए उसके अलावा कुछ और केबल्स इसको कनेक्ट करने के लिए अगर आप स्पीकर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करना चाहते हो 3.5 पॉइंट mm फाइव एम से अगर आप इसको होम थिएटर के साथ सेटअप करना चाहते हो जो कि मैं करने वाला हूं उसके अलावा है यहां पे एच केबल प्रोजेक्टर को आपके डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं अपने एक्सबॉक्स के साथ और यहाँ पे है आपकी एच डी एम आई केबल हाई स्पीड एच डी एम आई और कुछ प्रोडक्ट मैनुअल, फ्यूज, वारंटी कार्ड है यहाँ पे जो मैंने नहीं फिल किया कुछ क्लॉथ आपके प्रोजेक्टर को क्लीन करने के लिए रिमोट कंट्रोल निकल भाई तो यहाँ पे है आपका रिमोट कंट्रोल छोटू सा एप्पल टीवी का रिमोट कंट्रोल याद आ गया है मुझे और इसके अलावा कुछ भी मुझे यहाँ पे बॉक्स के अंदर नहीं दिख रहा तो इस सबको अब रख देते हैं साइड पे और देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर और यहाँ पे एक स्ट्रैप मुझे दिख रहा है तो इसके अंदर होगा हमारा प्रोजेक्टर काफी ज्यादा भारी लग रहा है अब यहाँ पे निकाल लिया है प्रोजेक्टर को बाहर अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है तो शायद ये उल्टी साइड मैंने रख लिया है इसको मैं घुमा देता हूँ कुछ ऐसे तो यहाँ पे है हमारा प्रोजेक्टर एक बैग के अंदर तो अगर आप इसको कैरी वगैरह करना चाहते हो अपने साथ ट्रैवल कर रहे हो और अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो ये बैग जो है टिफ़िन बैग जैसा जो लगता है ये काफ़ी अच्छा है मैंने इससे पहले कोई भी प्रोजेक्टर नहीं यूज़ किया तो मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्टर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको फोम को साइड पे रख देते हैं अब खोलते हैं अपने बॉक्स को निकालते हैं प्रोजेक्टर को बाहर एक्साइटेड हूँ और क्यूरियस भी कि कहाँ पे मैं इसको लगाऊं कैसा होगा रेजोल्यूशन गेमिंग का क्या मजा आएगा क्योंकि वेबसाइट के ऊपर मैंने पढ़ा है ये वाला जो प्रोजेक्टर है 60 हर्ट्स तक सपोर्ट करता है तो अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो ये काफ़ी कूल चीज़ है और ये तो फटा हुआ है चलो कोई बात नहीं और यहाँ पे है हमारा प्रोजेक्टर अब इसको भी मैं साइड पे फेंक देता हूँ और निकालते हैं प्रोजेक्टर को बाहर कहाँ से निकलेगा किस साइड से है भाई ओ ओके दिस वे <laughs> तो प्रोजेक्टर को अब निकाल लेते हैं बाहर तो यहाँ पे है आपका प्रोजेक्टर ब्रांड का नाम आपको ऊपर दिख ही रहा होगा यहाँ पे है आपके कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम चैनल्स आगे पीछे करने के लिए ओके आपको पता ही है रिटर्न बटन और ये है आपका इनपुट सोर्स बटन जहां से आप डिफरेंट सोर्सेज के बीच में टॉगल कर सकते हो और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे है फैन क्योंकि ऑब्वियसली चलेगा तो हीट बनेगी तो ये है आपका एग्जॉस्ट आपके जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर की गर्मी को बाहर फेंकने के लिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से हमें पोर्ट्स मिल हैं तो सबसे पहले ऑन ऑफ वाला बटन उसके साथ ही पावर के लिए दो यूएस बी ए बटन दो एस डी एम आई वी जी ए अगर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे जाएगा आपका मेमोरी कार्ड अगर आपके पास कोई भी मेमोरी कार्ड है उसके अलावा हेडफोन जैक और यहाँ पे है ए वी तो ये मिलेगा बैक साइड पे तो।, तो काफी सारे प्रोडक्ट एक टाइम पे आप कनेक्ट कर सकते हो और जो भी प्रोडक्ट आपके पास होगा चाहे कंप्यूटर है गेमिंग कॉन्सोल है या फिर अगर आपके पास रोकू है एप्पल टीवी है आप कनेक्ट करना चाहते हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो नीचे कुछ भी खास नहीं है सेम चीज और यहाँ पे मुझे कुछ दिखा तो अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूँ क्या है यहाँ पे ओके तो ये है फ़िल्टर अगर आप ये गंदा हो जाता है क्योंकि फैन सारा टाइम चलेगा तो आप इसको क्लीन भी कर सकते हो तो इसको अभी अंदर ही डाल देते हैं पहला प्रोजेक्टर है लाइफ का तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है और यहाँ पे है आपका मेन चीज़ जहाँ से प्रोजेक्ट करेगा इमेज को आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो अभी मैं इसको जो टेस्ट करने वाला हूँ वो मेरे घर में एक वाइट वॉल है उसके ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ तो यहाँ से आप जो फोकस है उसको सेट कर सकते हो कितने डिस्टेंस पर रखोगे उसके हिसाब से जो फोकस है आप उसको सेट कर सकते हो और ये जो चीज़ है यहाँ से जो इमेज है उसको आप टिल्ट कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से तो ये तो हो गई अनबॉक्सिंग अब फटाफट से सेटअप करता हूँ और स्क्रीन क्वालिटी दिखाता हूँ और उसके साथ ही कौन कौन से यहाँ पे मोड्स मिलते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ तो अभी सिर्फ एक यही रूम है जहाँ पे थोड़ी सी वाइट वॉल है अगर सामने देखोगे तो ये जो है ये पूरी वाइट वॉल अभी खाली पड़ी है क्योंकि बाकी जगह पे ब्लू वॉल्स हैं या टैन वॉल्स हैं हमारे घर में और ये जो काउच है इसको मुझे हटाना पड़ेगा इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने से पहले प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टर पड़ा है उसके साथ ही यहाँ पर आपको मेरा एक्सबॉक्स दिख रहा होगा इसी के साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्टर को अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है फंक्शनैलिटी प्रॉपर सेटअप थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा तो प्रोजेक्टर जो है एक्सबॉक्स के साथ कनेक्ट कर लिया है पहले एक्सबॉक्स को ऑन कर लेते हैं और अब करते हैं इसको ऑन और बिल्कुल सामने आपको देख रहा होगा प्रोजेक्टर का अभी स्क्रीन इसको अभी फोकस वगैरह मुझे सेट करना है पहले यहाँ पे काउच पड़ा था तो अब वो जो काउच है वो यहाँ पे आ गया है मेरा पहला प्रोजेक्टर है तो अगर मुझसे कोई चीज़ रह जाती है तो प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मुझसे रह गया तो सबसे पहले फोकस सेट कर लेते हैं ये इसको मैं ऐसे रखता हूँ और अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर मुझे लग रहा है पहले के कंपैरिज़न में और ये एकदम सही है जहाँ पे एकदम क्लियर टेक्स्ट मुझे दिख रहा है तो अभी एक्सबॉक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है और अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो यहाँ से क्योंकि मैं एक हाथ से सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो जाएगी बट मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चाहिए जिसको मैं इसके नीचे रखूँ ताकि आगे सादा जगह मुझे मिल जाए क्योंकि साइड पर टूल बॉक्स पड़ा है उसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता तो एक बार मैं कोई चीज़ रखूँ इसके नीचे फिर मिलता हूँ ये मेरे पास एक एक्स एक बॉक्स पड़ा है थ्री सिक्सटी इसको रख देता हूँ इसके नीचे तो अभी दिन के चार बजे हैं और अभी थोड़ा कुछ ऐसा ही दिखेगा अगर मैं इसको हल्का सा फोकस करूं तो यहाँ पे बिल्कुल सही है नेटफ्लिक्स तो जितना मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो 200 इंच तक टू हंड्रेड इंच की आप स्क्रीन अगर यूज़ करना चाहो इसके साथ तो आप कर सकते हो ये कितना इंच होगा मुझे अभी नहीं पता अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ सबसे पहले इनपुट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो आपके सामने है इनपुट चॉइसेस इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो इस जगह पे आपको दिख रहा होगा फुल एच डी एट सिक्सटी हर्ट्स क्योंकि सिक्सटी हर्ट्स के ऊपर आप ये वाली स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो ये वाले प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोड हैं पिक्चर मोड्स यहाँ पे अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारे पिक्चर मोड्स हैं सॉफ्ट यूजर जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अगर मैं हल्का सा पास जाऊँ और अगर थोड़ा सा शेक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना क्योंकि एक हाथ से सारा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे आ गए हैं मेन्यू पे उसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो है सिक्सटीन बाय नाइन फोर बाय थ्री सिक्सटीन बाय नाइन पे ही मैं रखूंगा तो आपके ऊपर है आप कौन सी सेटिंग में इसको रखना चाहते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास फिर से रिटर्न मेन्यू में मैं जाता हूँ और यहाँ पर नॉइस रिडक्शन प्रोजेक्शन मोड फ्रंट मोड है अभी उसके अलावा प्रोजेक्शन मोड में अगर मैं बात करूँ चीज़ दिखा देता हूँ अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो प्रोजेक्टर्स हैं वो सीलिंग से ही हमने लगाए हुए होते हैं तो यहाँ पे है फ्रंट सीलिंग रियर सीलिंग फ्रंट रियर अगर आप इसको ऊपर माउंट करना चाहते हो जो कि मैं करने वाला हूँ सीलिंग के ऊपर तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली और ये जो यहाँ पे टच कंट्रोल्स हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है हल्का सा ही मैं टच करता हूँ तो ये जो एक्सेप्ट कर लेता है ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा और आई एम सॉरी आपको अगर बीच बीच में अवन वगैरह दिख रहा है क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यहाँ पे मैं करूँगा बट अभी जो सीन चल रहा है मेरी जो स्क्रीन है उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इसलिए वॉल पे मुझे करना पड़ रहा है और अभी दिन है तो इतना क्लियर नहीं है रात को बहुत ज़्यादा अच्छा ये दिखेगा और ऑब्वियसली अगर आप प्रोजेक्टर लगा रहे हो तो अंधेरे में ही आप देखोगे डे लाइट में तो आप देखने वाले हो नहीं एंड फॉर द प्राइस जिसमें मैंने इसको लिया है बहुत ही अच्छी डील है अगर मैं एक बार नेटफ्लिक्स पे जाऊं और कुछ आपको स्टार्ट करके कर दिखाऊं और यहाँ पे जो फैन है वो इतना ज़्यादा नॉइजी नहीं है तो एक मूवी मैं यहाँ पे आपको लगाता हूँ तो अभी नेटफ्लिक्स मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है और अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो ये जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर आपको स्पीकर मिल जाएंगे और वो बहुत ज्यादा लाउड है अगर मैं फुल पे करूँ तो आप लोग देख सकते हो तो हंड्रेड के ऊपर है वॉल्यूम और प्रोजेक्टर के अंदर से ही साउंड आ रहा है जो आप सुन रहे हो तो so, यहाँ पे फंक्शनैलिटी वगैरह आपको दिखा दी अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मुझे नहीं पसंद आया इसमें पहली चीज जो मैंने मैनुअल में पढ़ी जो मुझे नहीं पता थी कि चार घंटे से ज्यादा एक टाइम पे आप इसको यूज नहीं कर सकते तो अगर आप मूवी मैराथन का सोच रहे हो तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है और अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट एक घंटा यूज किया है इसमें जो है काफी ज्यादा गर्म हो गया क्योंकि ऑब्वियसली जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी अभी काफी ज्यादा गर्म है तो उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ सकता है ऑल दो सी चल रहा था बट गर्मियों में शायद थोड़ा ज़्यादा हीट होता हो क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी प्रोजेक्टर यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे एक दो कमियाँ जो मुझे लगी पहली यहाँ पे आप चार घंटे से ज़्यादा इसको एक टाइम पे नहीं चला सकते हो हीट होने वाला जो इशू है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने एक घंटा यूज़ किया उसी में जो हीट है वो मुझे फील हो रही थी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बट यहाँ पे अगर आप पूरा अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इस वाले प्रोजेक्टर के साथ तो आपको रात के टाइम पे देखना पड़ेगा या किसी ऐसे रूम में इसको सेट करना पड़ेगा जहां पे पिच डार्क आप कर सको क्योंकि अभी आपने देखा दिन में मैं यूज़ कर रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी थी बट उतनी क्रिस्प नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो जो क्वालिटी है वो रात को ही मिलेगी अगर थोड़ा बहुत भी वहाँ पर ब्राइटनेस है धूप है थोड़ी सी तो वहाँ पर थोड़ा सा मज़ा खराब आपका हो सकता है उसके अलावा सारी चीज़ें मुझे परफेक्ट लगी और यहाँ पर अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो टू हंड्रेड ट्वेंटी को मिलेगा और चार घंटे दो सो तीस डॉलर में इससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मैं अपने रूम में सेट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा तो, लेने में हो, तो आप ले सकते नीचे है नहीं मूवी मैराथन देख एक मूवी देख लिया थोड़ी देर गेमिंग कर ली शूट्स के बीच में तो उसी के लिए मैंने यूज करना है और उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या अगर आप कोई सेशन वगैरह लेते हो आप टीचर हो आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्टर चाहिए जहां पर आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको दिखा पाओ बड़ी स्क्रीन पर तो उसके लिए भी ये चीज परफेक्ट हो सकती है बट मूवी मैराथन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं और जो गेमर्स हैं जो सोचते हैं कि इसको मैं कनेक्ट करूंगा बड़ा स्क्रीन मिलेगी और सारा दिन गेमिंग कर पाऊंगा तो वो नहीं है बट अगर आप बजट की बात करोगे तो बजट में जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है उसमें परफेक्ट है ये वाला प्रोजेक्टर लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक और ये थी मेरी वीडियो गुडी कंपनी के बी एल नाइन्टी एट प्रोजेक्टर के ऊपर कैसी लगी वीडियो कैसा लगा प्रोजेक्टर प्लीज़ मुझे बताओ कॉमेंट्स में मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय